दोस्तों स्वागत है आप सबका मैं टॉकी और एक एपिसोड में और लाइव आपके लिए मेडिकल दुनिया की बहुत सारी खबरें। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला अपडेट RIR है दोस्तों यूएस एफडीए के बारे में। आप सब लोगों को पता होगा कि यहाँ पे यूएस एफडीए हमेशा फार्मास्यूटिकल कंपनीज में ऑडिट करने आती है। ऑडिट करने के बाद उन कंपनीज को लाइसेंस दिया जाता है या फिर उन कंपनी के अलग अलग फ्यूचर प्रोडक्ट्स है प्रोडक्ट्स या फिर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स इन सारों को यहाँ पे अप्रूवल या फिर डिसअप्रूवल देने का यूएस एफडीए का हमेशा काम चालू रहता है। और इसी के बारे में अपडेट आ रहा है कि यूएस एफडीए ने इंडिया की जो कंपनी थी जिसका नाम है दोस्तों स्ट्राइड्स फार्मास्यूटिकल कंपनी, इस कंपनी को यहाँ पे रिकमेंड किया है एक्शन, इस कंपनी के अगेंस्ट यहाँ पर एक एक्शन रिकमेंड किया है। ये जो एक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि हमेशा आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे यूएस एफडीए के जो नॉर्म्स है, यूएस एफडीए के जो रूल्स है, उसके अकॉर्डिंगली फार्मास्यूटिकल कंपनी आपको चलानी होती है। और अगर उस ऑडिट्स में ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स इसे फॉलो नहीं किया है तो ऐसी कंपनी के खिलाफ यूएसएफडीए एक्शन लेते हैं। और इसी के बदौलत कुछ कंपनीज के यूएसएफडीए के ऑडिट्स फेल हो जाते हैं, इस वजह से कंपनीज को बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। और इसी के बदौलत ये अपडेट आ रहा है स्ट्राइड फार्मास्यूटिकल साइंस, ये जो कंपनी है पुदुचेरी यूनिट है यानी पुदुचेरी जो कि इंडिया का एक सिटी है उसमें स्थित है, और ये भी बहुत बड़ा अपडेट है। दूसरा अपडेट ये आ रही है दोस्तों पुणे के बारे में, जहाँ मैं रहता उसके बारे में अपडेट आ रहा है। ससून जनरल हॉस्पिटल जहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है उसके बारे में अपडेट आ रहा है कि उसमें आने वाले दिनों में लीवर ट्रांसप्लांट यूनिट अपग्रेड होने वाला है। ये भी बहुत बड़ा अपडेट है। आप सब लोगों को पता होगा कि इंडिया में चुनिंदा ऐसे हॉस्पिटल से जहाँ पे लीवर ट्रांसप्लांट के यूनिट्स है, और अगर ऐसा होता है तो पुणे के लिए भी बहुत बड़ी खबर है और महाराष्ट्र स्टेट के लिए भी ये भी बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पुणे जो शहर है, पुणे जो सिटी है, ये आने वाले दिनों में एक उभरती हुई सिटी है। अभी दोस्तों तीसरा अपडेट है यार दोस्तों हार्ट एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में। आप सब लोगों को पता होगा कि कुछ लोगों के हार्ट जो होते हैं उनमें एबनॉर्मलिटीज़ होती है बचपन से, जब से वो जन्म लेते हैं या फिर जब से वो इस दुनिया में आते हैं तब से उनके हार्ट में प्रॉब्लम होता है। और ऐसे जो लोग हैं उनके हार्ट की एबनॉर्मलिटीज़ को यहाँ पर ठीक किया जा सकता है। ऐसे एक स्टडी ने शो किया, ये जो ठीक किए जाने की प्रोसेस है ये प्रोसेस तब हो सकती है जहाँ पर जब ये लोग यंग हो जाएंगे, यानी ये लोग 20-22 की उम्र में आ जाएंगे। ऐसी उम्र में अगर ऐसे लोग एक्सरसाइज करेंगे तो ये जो एबनॉर्मलिटीज उन्हें बचपन से थी ये एबनॉर्मलिटीज यहाँ पे उनके बॉडी से निकाली जा सकती है या फिर ऐसी चीज़ें उनके बॉडी से कम की जा सकती है। ये भी बहुत बड़ा अपडेट है यहाँ पे हर्ट एबनॉर्मलिटीज के बारे में। या फिर चौथा अपडेट है यार दोस्तों गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन महाराष्ट्र के बारे में। यार महाराष्ट्र के बारे में नया अपडेट और बहुत बड़ा अपडेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आने वाले दिनों में 498 गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स है इन्हें आने वाले दिनों में सीसीटीवी के अंडर लाने की यहाँ पे कोशिश करने वाले, सीसीटीवी कैमराज इन हॉस्पिटल्स के अंदर लगवाने वाली है। ये भी बहुत बड़ा अपडेट है यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट के लिए। और सबसे लास्ट अपडेट ये आ रहा है दोस्तों ब्लड टेस्ट के बारे में। आप सब लोगों को पता होगा कि आपके बॉडी में क्या चलता है, इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है तो एक ऐसी चीज़ के ऊपर पड़ता है जिसका नाम है ब्लड। आपके ब्लड आपको हमेशा एक चीज़ बता देगा कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, आपके बॉडी में कौन से फंक्शंस नहीं हो रहे, आपकी बॉडी में क्या चीज़ें गलत चल रही है, कौन सी चीज़ें सही चल रही है, आपके बॉडी में लिम्फोसाइट्स मोनोसाइट्स कितनी है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ब्लड आपको बताता है। और उसके बदौलत अपडेट आ रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे ब्लड टेस्ट की मदद से हम अल्जाइमर जो होता है अल्जाइमर डिसीज जो आप सब लोगों को पता होगी बहुत सारे लोगों को अल्जाइमर डिसीज होने का खतरा होता है, बहुत सारे लोग इससे सफर भी करते हैं, तो यहाँ पे अल्जाइमर डिसीज को 8 साल जल्दी यानी 8 साल अर्लियर यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं न्यू ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंगली। ये भी बहुत बड़ा अपडेट है। और देखिए आने वाले दिनों में ब्लड टेस्ट की मदद से हम क्या क्या नई चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। ये थे मेडिकल दुनिया के अपडेट। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर इस चैनल पे आपने आगे मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में आपके लाने का ट्राई करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।